आज के टॉपिक में हम बात करेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हॉर्मोन। हॉर्मोन्स होते क्या है बेसिकली? ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर एंडोस्ट्राइन ग्लैंड, हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है जिसका नाम है एंडोस्ट्राइन ग्लैंड। ये हमारी बॉडी के अंदर यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर एक एंडोस्ट्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और ये डायरेक्ट कहाँ पर जाएंगे? सीधा ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में, ठीक है। जितने हमारी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम्स हैं, ये उसी के अंदर थ्रू दिस पार्ट जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर आपको सिंपल वर्ड में बताना हो तो आप कह सकते हो कि हॉर्मोन्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंड्रोसाइन ग्लैंड्स इन द बॉडी एंड आर रिलीज्ड डायरेक्टली इन टू दी ब्लड स्ट्रीम्स, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे एंड्रोसाइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कुछ के नाम तो आपने सुने होंगे, जैसे सबसे पहला बता रहा हूँ आपको थायराइड। थायराइड का नाम आपने सुना होगा। थायराइड हमारी बॉडी में एक एंडोस्ट्राइन ग्लैंड है। दूसरे नंबर पे टेस्टिस, हमारी बॉडी में एंडोस्ट्राइन ग्लैंड है। तीसरे नंबर पे ओवरीज, देन पैनक्रियाज एट्सेट्रा, ठीक है। ये जितने भी मैंने आपको ग्लैंड्स आपके बताए हैं, ये सभी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और ये इन सभी ग्लैंड्स का मेन फंक्शन क्या है कि हमारी ब्लड के अंदर हॉर्मोन्स को रिलीज करना। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कि हम किस तरह से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स, हमने देखना है कि हॉर्मोन्स को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली इनको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया जाता है? इनको किया जाता है उनकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी बनावट किस तरह की है, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन किस तरह की है, उनके बेसिस पे इनके अंदर इनकी दो टाइप्स रखी गई हैं, ठीक है। हमारे जो हॉर्मोन्स हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से, केमिकल कॉन्स्ट्रिब्यूशन के हिसाब से उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, या दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो क्लास है उसका नाम है स्टीरॉइड, ठीक है। सबसे पहली स्टीरॉइड। दूसरे नंबर पे जो क्लास है उसको बोलते हैं नॉन स्टीरॉइड, ठीक है। दो क्लास, दो तरह के हॉर्मोन्स हैं। सबसे पहले स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, दूसरे नंबर पर नॉन स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, ठीक है। सबसे पहले हम पहले के वाले की बात करेंगे कि स्टीरॉयड हॉर्मोन क्या होते हैं। स्टीरॉयड की बात करें तो ये एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि कहाँ से डेराइव्ड है? दीज आर दोज केमिकल कंपाउंड्स दीज विच आर डेरिवेटिव ऑफ फोर रिंग सिस्टम्स एंड कंसिस्टिंग ऑफ थ्री साइक्लो पेंटेन रिंग्स, ठीक है। ये स्टीरॉयड हॉर्मोन्स कैसे हैं? ज़्यादातर ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो कि किससे डेरिवेट हुए हों, ज़्यादातर फोर जिसके अंदर रिंग सिस्टम प्रेजेंट हो और जिसके अंदर तीन साइक्लोपेंटेन रिंग्स प्रेजेंट हो, ठीक है। अब आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं स्टडी करना, क्योंकि आपको ज़्यादातर अगर इस चीज़ को स्टडी करना है तो आपको बायोलॉजी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर सिर्फ हमने थोड़ा थोड़ा इसको स्टडी करना है बस, कि क्या चीज़ होती क्या है, हमें बेसिकली यही स्टडी करना है बस, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि स्टेरॉइड का मतलब क्या है, कि जो
फोर रिंग सिस्टम से बने हो और जिसमें तीन साइक्लोपेंटेन रिंग्स भी प्रेजेंट हो। ठीक है, इसके अंदर जो एग्जांपल आएगी आपकी वो कौन सी आएगी, जैसे सेक्स हॉर्मोन्स, जितने भी सेक्स हॉर्मोन्स हैं वो सभी स्टीरॉयड हॉर्मोन्स होते हैं, और इसके अंदर जितने भी बाइल एसिड हैं ये भी सारे क्या हैं, हमारे स्टीरॉयड हॉर्मोन्स। ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, सेक्स हॉर्मोन्स और बाइल एसिड्स, दीज आर दी स्टीरॉयड हॉर्मोन्स। आगे अगर देखें तो स्टीरॉयड हॉर्मोन्स को फिर से आगे क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, स्टीरॉयड्स हॉर्मोन को स्टडी करने के लिए इसके अंदर दो टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है, जैसे हमने अभी भी एग्जांपल में लिखा, पहली टाइप है सेक्स हॉर्मोन्स। अब हमने देखना है कि सेक्स हॉर्मोन्स क्या होते हैं। ज़्यादातर तो सेक्स हॉर्मोन्स को आगे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, ये तीन तरह के हैं। सबसे पहले हैं मेल सेक्स हॉर्मोन्स, जिनको हम एंड्रोजन एंड्रोजन हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो है फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, जिसको हम एस्ट्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, मेल वाले हो गए एंड्रोजन, फीमेल वाले हो गए एस्ट्रोजन। ठीक है, ये हमारे हो गए दो तरह के। तीसरे नंबर पे जो आएंगे वो है प्रेगनेंसी और प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, मीन सिंपल वर्ड में आप इसको चाहे ना भी लिखो, आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हो प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स। ठीक है, ये तीन तरह की इसके अंदर कैटेगरीज हैं। अब आ जाएगी दूसरी टाइप। दूसरी टाइप जो है उसको बोलते हैं इसका नाम है कॉर्टिकोस स्टीरॉयड हॉर्मोन्स। ठीक है, कॉर्टिकोस स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, इनका काम क्या है, इनका काम है रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, इनका मेन पर्पस क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो रेगुलर एक्टिविटीज जो होती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं, उनको कंटिन्यू रखना। ठीक है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो कौन कंट्रोल करता है, वो इन्हीं हॉर्मोन्स के कारण चलता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू कंट्रोलेशन वो भी इसी तरह के हॉर्मोन्स करते हैं। ये आगे हमारी पहली टाइप, जो कि कौन सी थी, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स।